टमाटर की बढ़ती कीमतों ने जहां एक तरफ आम आदमी के किचन का बजट हिला दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मैकडोनाल्ड जैसी बड़ी कंपनियां भी अपने बर्गर से टमाटर को हटा चुकी हैं। इसलिए हम आए हैं देश की सबसे बड़ी सब्जी व फल मंडी आज़ादपुर में। आज़ादपुर दिल्ली में है और इस मंडी के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि टमाटर के महंगे होने के पीछे गणित क्या है, इसका यहाँ के आढ़तियों, व्यापारियों, फुटकर विक्रेताओं पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, और इसके अलावा हम जानेंगे कि दिल्ली के आम लोगों पर टमाटर की महंगाई से क्या फ़र्क पड़ रहा है। 2400 क्या रेट चल रहा है टमाटर भैया? 2000 रुपये से लेकर 2500 रुपये शिमले का टमाटर है। 2000 से 2500 कितने किलो का? 25 किलो का भैया। और बेंगलोर का टमाटर बिक रहा है 2500 से लेकर 3000 रुपये भैया। ये हिमाचल से आ रहा है और बेंगलोर से आ रहा है बस, और कहीं से नहीं आ रहा भैया। बाकी कहीं पे फसल नहीं है टमाटर की, सब डैमेज हो गई है बारिश के कारण। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। हाँ जी, इसलिए महंगा है। यहाँ से खरीदा है 2500 लगा के 3000, 3000 से लगा के 3500 तक का खरीदा है। जितना बढ़िया माल है जितना रेट महंगे हैं। फुटकर में यहाँ बिकी है देख लो 3500-3500 रुपये की क्रेट। अब आगे हो सकता है कल 4000 भी बिक सकता है टमाटर, इसका कोई पता नहीं। बंदा क्या बेच रहा है? 200-160 जो बाहर ले जाएंगे बाजार में टमाटर, कम से कम वो 180 रुपये किलो से कम नहीं बेचेंगे आज की डेट में। ये हो गया टमाटर का हालत। लोकल किसान, हरियाणा के किसान वो फेंक के गए हैं यहाँ पे टमाटर। 100 रुपये, 80 रुपये, 70 रुपये टमाटर बिक गया मई के महीने में। जून के महीने में 15 जून तक जो है बाजार 80 से 100 रुपये था, 2.5 रुपये किलो से लेकर 4 रुपये किलो। 2 रुपये किलो का तो खर्चा है दिल्ली आने का, जो 2.5 रुपये किलो और 3 रुपये किलो बेच के गए हैं तो बेचारे वो क्या करेंगे? वो फसल डिस्ट्रॉय करेंगे और क्या करेंगे? अब इस टाइम हालात ये है कि बारिशें हुई है मानसून की ज़बरदस्त, हिमाचल में टमाटर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, सिर्फ सारा दारोमदार कर्नाटका के ऊपर है, अभी फसल है नहीं वहाँ पर, इस वजह से बाजार थी। व्यापारियों ने हमें बताया कि मंडी में सिर्फ 2 जगहों से टमाटर आ रहा है, एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, जिसकी वजह से डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है और महंगाई बढ़ रही है। हिमाचल में भारी बारिश की वजह से भी रास्ते बंद हो चुके हैं, इसलिए हिमाचल से भी टमाटर कम आ रहा है। आप ही देखो ना, बाढ़ आ गई है हिमाचल में, पूरे हिमाचल में जो टमाटर वहाँ की फसल थी वो भी ख़त्म हो गई है वहाँ की, इस वजह से टमाटर महंगा हो गया है। और आने वाले 2-3 महीने मुझे लगता नहीं है कि मंदा हो। सिर्फ मोदी जी से एक गुजारिश है, बाहर से इम्पोर्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इंडिया में टमाटर नहीं है, अफगानिस्तान में टमाटर है, अफगानिस्तान के अंदर, अगर वहाँ से इम्पोर्ट हो सकता है तो वहाँ से इम्पोर्ट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये टमाटर लिया हूँ 2200 का, ये खरीदा हुआ हल्का टमाटर है, बिल्कुल सरा हुआ नीचे में, सर गया बारिश की वजह से, ये खेत खराब हो गए। देखो टमाटर क्या हाल हो गया टमाटर का, ये देखो टमाटर का हाल क्या हो गया, सारा बारिश की वजह से कमर खराब हो गया टमाटर का। बेंगलोर का टमाटर आ रहा है 4500-3600 टमाटर बिक रहे हैं। 21 है भाई साहब। ये नसीब से ले आ रहे हैं, नसीब जो टमाटर अच्छा निकल गया तो कमा लेंगे, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है, नसीब का खेल है। बोली पे ले आ रहे हैं, बोली भी बिक रहा है, कुछ ऐसे ही बिक रहा है, अगर अच्छा बढ़िया निकल गया तो कमा लेंगे, नसीब से ले आ रहे हैं बस। हमने इस दौरान हिमाचल के व्यापारियों से भी बात की और साथ में उन लोगों से भी बात की जो लोग यहाँ से टमाटर खरीद कर देश के अलग अलग हिस्सों में बेचने ले जाते हैं। आने वाला टाइम में 2-4 दिन में हो जाएगा, 200 रुपये किलो थोक का रेट होगा। शिमला में, मनाली में करीब, उधर जो बारिश हो गई, पुल टूट गया, वहाँ से टमाटर आ नहीं रहा, जो भी बचा हुआ है अब जो भी है निर्भर है, बेंगलोर पे निर्भर है, नारायण गांव पे है, यहाँ से बहुत कम माल आता है। बेंगलोर से आ रही हो? ये तो बेंगलोर का है, ये तो शिमला का टमाटर, शिमला है, ये बेंगलोर है, ये शिमला है, ये शिमला है, ये बेंगलोर नहीं, ये शिमला का आता तो डाउन सस्ता होता है, क्वालिटी इसकी हल्की होती है, बेंगलोर की क्वालिटी अच्छी होती है, बेंगलोर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अब आने वाला टाइम में 2 महीने तो टमाटर मंदा होगा ही नहीं। 120-110 रुपये यहाँ मंडी में खरीद लेके जा रहा हूँ, वहाँ पर कुछ गलू हुआ सड़ू में निकलता है तो मंडी में या बाजार में जब जाते हैं तो 80, 100, 120 जैसा कहा कि मौका लगता है बेचते हैं, जो हल्का बाद में लास्ट में बचता है तो 80 को भी 60 को भी ख़त्म करना भारी पड़ जाता है, तो पैसे तो कम ही तो हो रहा है हमारे कमाने के, नफा अपना घाटा ही हो रहा है। जो 5 किलो खरीदता है वो 2 किलो खरीद रहा है, जो 1 किलो खरीदता है वो 250 ग्राम खरीद रहा है, बेचने वाले परेशान, खाने वाले भी परेशान है, दोनों ही परेशान हैं। लोगों के पास कहते हैं पैसे नहीं है, सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई, हम बेच रहे हैं तो हमें पैसा घट रहा है, हमारे पास भी पैसे नहीं है कि हम अपना
घर परिवार चला सकें, इतनी हालत खराब है टमाटर में। टमाटर मार्केट में पूरा भरा हुआ है, गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, लेकिन रेट इतना क्यों है? ये किसकी मिली भगत है? मोदी जी को ये संदेश दो कि इतना जो रेट है इसको कम करवाया जाए, आम आदमी कैसे खाएगा 200 रुपए किलो टमाटर। इस दौरान हमने टमाटर खरीदने आए आम लोगों से बात की, सुनिए उनका क्या कहना है। खरीदने आई थी, भाव लेकर के अब नहीं खरीदूंगी, महंगा है टमाटर, 700 का धड़ी है, कैसे खाएगा? हम तो बगैर टमाटर के खा लेंगे, आगे नहीं खाते थे गाँव में, बगैर टमाटर के भी खाते थे। ये दिल्ली शहर में आकर के टमाटर खाने लगे हैं ना, गांव में तो बगैर टमाटर के लहसुन प्याज पीसो, धनिया पीसो, बनाओ सब्जी। डबल रेट हो गया टमाटर का, ये दो थैले भर के ले जाता था, अब आधे भी ना लेके जा रहा हूँ भाई, ये 4-5 किलो लेके जा रहा हूँ, ना तो 15-20 किलो लेके जाता था। पैसा कोई पेड़ पे थोड़ी लग रहा है, पैसे के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है, अब इतना महंगा टमाटर खाएंगे तो बचाएंगे क्या? सलाद वलाद क्या, सलाद की क्या बात कर रहे हो भैया, या सब्जी में डालने के लिए नहीं हो रहा टमाटर, सलाद में क्या? किसान ने खेतों में टमाटर प्याज फेंके हैं, रोड पे फेंके, उस टाइम तो आप लोग हेडलाइन नहीं बनाए, अब तेजी में आ गए तुम अपना न्यूज हेडलाइन बनाने के लिए, ये गलत बात है। मंद बिल्कुल गुस्सा, मंदे में भी दिखाओ ना तुम, जब मंदी थी उस टाइम 1 रुपये किलो टमाटर खरीदार नहीं था, तब तुमने अपना न्यूज चैनल मतलब हेडलाइन नहीं बनाया, अब तेजी में तुम बताओ। अब टमाटर के महंगे होने के कारणों की टाइमलाइन कुछ इस तरह से, पहला मई और जून के शुरुआत में किसानों को सही दाम ना मिलना जिससे उन्होंने अपनी फसल बर्बाद कर दी, जिसकी वजह से हुआ यह है कि टमाटर की डिपेंडेंसी केवल हिमाचल और कर्नाटक पर चली गई। अब दूसरी जगह जब कर्नाटक और हिमाचल से टमाटर आने लगा तो हिमाचल में बारिश और बाढ़ की वजह से सप्लाई रुक गई, जिसकी वजह से दाम और ऊपर हुए। अभी हिमाचल में जो फसलें थी वो बर्बाद हो रही हैं, इसलिए टमाटर की महंगाई और बढ़ेगी जब तक कि महाराष्ट्र से टमाटर आने शुरू नहीं हो जाते। ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 1 से 1.5 महीने तक टमाटर के दाम उछलते रहेंगे। न्यूज लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, आजादपुर, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।